आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा रेमेडी जिससे आपके बाल चाहे जितने भी रूखे क्यों ना हो जाए वो हो जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो जिनके भी बाल बहुत रूखे हैं और आप उनको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोनिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आइडियाज विथ मोनिका पे। बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए आज का जो हमारा पहला और मेन इंग्रेडिएंट है वो है वैसलीन। जी हाँ, वैसलीन। बचपन में हम सबने वैसलीन तो ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि वैसलीन को हम अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन में होता है नेचुरल वैक्स और मिनरल ऑयल जो हमारे स्किन में हो या फिर बालों में हो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और ड्राइनेस को दूर करता है। मैंने अपने बालों पर 3 बार 3 अलग अलग तरीके से वैसलीन अप्लाई करके देखा है, जिसमें से पहला और दूसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो वो मुझे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगा, लेकिन तीसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो वो इफेक्टिव रहा। तो आज मैं आपको तीनों तरीका एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको पता चल सके कि किस तरीके से लगाना है वैसलीन को बालों में और किस तरीके से नहीं लगाना है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया अपने बालों पे वैसलीन, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बालों को अप्रॉक्स 80% गीला किया। आप अपने बालों को स्प्रे बॉटल से या फिर हाथ से, जैसे भी हो, आप गीला कर सकते हैं। और मैंने अपने बालों के थोड़े थोड़े हिस्से लिए, जैसे कि इतना हिस्सा हो गया, थोड़े थोड़े हिस्से लिए और फिर उसमें मैंने वैसलीन अप्लाई किया पानी लगाने के बाद। तो ऐसे करके मैंने पूरे में वैसलीन लगाया अपने बालों पे, और ये फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अरे मेरे बालों पे जितना ज़्यादा वैसलीन लगेगा उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इसके चलते मैंने अपने बालों पे बहुत सारा वैसलीन अप्लाई कर लिया और फिर रात भर मैंने अपने बालों पे वैसलीन रखा और अगले दिन मॉर्निंग में मैंने शैम्पू किया। लेकिन सूखने के बाद मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे और ज़रा भी वैसलीन मेरे बालों से नहीं निकला था। तो बल्कि जितना एरिया मेरे बालों से टच हो रहा था मेरे बॉडी का, वो पूरा चिपचिपा हो गया था। तो ये तरीका तो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं था। तो मैंने क्या किया, फिर अगले दिन मैंने अपने बालों पे ऑयलिंग की मॉर्निंग में और फिर मैंने शैम्पू किया, तो फिर पूरा वैसलीन निकल गया और फिर बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए थे। फिर जब मैंने सेकेंड टाइम अपने बालों पर वैसलीन अप्लाई किया तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर ऑयल और वैसलीन को जब साथ में लगाना ही है तो क्यों ना मैं उसे साथ में मिलाकर ही अपने बालों पर अप्लाई करूं। तो मैंने दोनों को मिक्स किया, वैसलीन और तेल को, और फिर मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया। तो एक बार में ही पूरे बालों से शैम्पू निकल गया, और लेकिन मेरे बाल उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए जितने कि पहली बार में सॉफ्ट हुए थे। फिर तीसरे बार मैंने क्या किया कि मैंने अपने बालों को फिर से गीला किया और उसमें वैसलीन अप्लाई किया और रात भर रखा और सुबह फिर से बालों पे तेल लगाया और फिर शैम्पू किया। फिर तीसरी बार मैंने क्या किया कि मैंने रात में अपने बालों को गीला किया और उसमें फिर वैसलीन अप्लाई किया। पूरी रात भर मैंने वैसलीन अपने बालों पे रखा और मॉर्निंग में फिर मैंने ऑयल अप्लाई किया अपने बालों पर और फिर शैम्पू किया। तो इससे क्या हुआ कि एक बार में ही पूरे जो वैसलीन था वो मेरे बालों से चला भी गया और मेरे बाल फिर बहुत सॉफ्ट लगे। तो ये तीसरा जो तरीका था वो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैसलीन को आपको अपने बालों पे किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अपने बालों को लगभग 80% गीला कर लीजिए और आपको वैसलीन को अपने जड़ों पर नहीं लगाना है, क्योंकि वैसलीन में ऐसा कोई भी इन्ग्रीडियंट नहीं होता है जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे। तो वैसलीन सिर्फ आपके बालों को स्मूथ करेगा, इसलिए बालों सिर्फ जहाँ से भी आपके बाल रूखे हैं, जहाँ से भी ड्राई हैं, वहाँ से आप वैसलीन लगाना स्टार्ट करें। तो मैं तो अपने बालों को अप्रॉक्स यहाँ से लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बालों को गीला करने के बाद आप अपने बालों का ऐसे छोटा छोटा हिस्सा लीजिए और वैसलीन अप्लाई करते जाइए, अपने पूरे बालों पर वैसलीन अप्लाई करते जाइए। आपके बाल जितने ज़्यादा रूखे हैं उसके हिसाब से आप छोटे छोटे हिस्से ले सकते हैं और उसमें वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने बालों को इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम हेयर स्पा कराते हैं तो हमारे बालों का मसाज होता है, उस तरीके से आप अपने पूरे बालों का मसाज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपके बालों पर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा वैसलीन और फिर बहुत अच्छे से आपके बालों को स्मूथ करेगा। वैसलीन लगाते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि वैसलीन आप 1 वीक लगा सकते हैं और आप अपने बालों के क्वांटिटी के हिसाब से ही वैसलीन लगाएं, भर भर के वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों पे। और अपने बालों को गीला करें उसके बाद ही वैसलीन लगाएं, नहीं तो फिर अननेसेसरी वैसलीन वेस्ट होगा। और ऑयलिंग के बिना तो वैसलीन आपके बालों से निकलने वाला नहीं है, इसलिए आपको ऑयल लगाना भी ज़रूरी है। वैसलीन का हमारे बालों पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है,
जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं और हम उन पे कंघी करते हैं तो हमारे कंघी बालों पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और बाल बीच बीच से भी टूटते हैं और जड़ों से भी बहुत टूटते हैं। लेकिन वैसलीन लगाने के बाद हमारे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं और कंघी आसानी से हमारे बाल से फिसल जाता है और हमारे बाल बीच बीच से भी नहीं टूटते हैं और बहुत ही कम झड़ते हैं, बहुत ही कम। तो ये तो वैसलीन का बहुत अच्छा अच्छा फ़ायदा हो गया। और सबसे अच्छी बात कि वैसलीन बहुत ही ज़्यादा मतलब चीपेस्ट तरीका है ये हमारे बालों को स्मूथ करने का। लेकिन हाँ, वैसलीन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब तक हम अपने बालों पे वैसलीन लगाएंगे तभी तक हमारे बाल स्मूथ रहेंगे और ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट नहीं करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।